25 लाख की लॉटरी का लालच देकर ठग लिए 49,000 रुपए। खबर शिवपुरी क्षेत्र के शक्तिपुरम कॉलोनी खुड़ा से आ रही है, जहां पर एक ठग ने 25 लाख रुपए की लॉटरी का लालच देकर 49,000 रुपए की ठगी कर डाली। जब लॉटरी के पैसे नहीं मिले तो ठगी की वारदात समझ आई। इसके बाद ठगी गई महिला जनसुनवाई पहुंची और अपनी फरियाद सुनाई। जानकारी के अनुसार फिजा खान पुत्री इकरार खान निवासी शक्तिपुरम कॉलोनी खुड़ा शिवपुरी ने बताया कि 16 दिसंबर को उसके मोबाइल फोन पर राणा प्रताप सिंह का कॉल आया। कहा, हम केबीसी से बोल रहे हैं और तुम्हारे 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, ये रुपए तुम्हें टैक्स देकर चुकाना होंगे। टैक्स चुकाते ही खाते राशि जो है वो खाते में डाल दी जाएगी। 25 लाख की लॉटरी की बात सुनकर फिजा खान ठग के झांसे में आ गई और उसने कहे अनुसार समय समय पर कैनरा बैंक, गूगल पे, फोन पे, बैंक पे से खाते से 49,000 रुपए डाल दिए। इसके बाद भी फिजा को लॉटरी के पैसे नहीं मिले। जब ठग राणा प्रताप को फोन लगाया तो 2,000 रुपए और डालने की बात कही, लेकिन इतनी राशि डाले जाने के बाद फिजा अपने साथ हुई ठगी का एहसास उसे हो गया और मामले को लेकर फिजा जनसुनवाई में फरियाद लेकर पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई और राशि वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। हेलो नमस्ते प्रमोद कुमार सर, ये देख लो भैया, ये मैं आपका पैसा यहाँ पे स्टेट बैंक में एक्टिव करवा रहा हूँ। ऑफिसर से मैं अभी काम कंप्लीट करवा रहा हूँ आपका। अगर मेरी तरफ़ से दिक्कत है तो आप मुझे खुद बता दो। अभी मैं यहाँ पे जो लाइन पे सभी कस्टमर लगे हुए हैं, सभी का कस्टमरों का रिकॉर्ड भी चेक करवाऊँगा और ये जो फाइल रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ, अभी पैसे अकाउंट से आपके अकाउंट पे डिपॉजिट करवा रहा हूँ। अगर नहीं रिसीव करना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट क्लोज करके किसी और कस्टमर को कैश करवा दूँगा। अभी लोगों का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखो ये कितने कस्टमर लाइन में खड़े हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपका काम क्लोज कर दूँगा। अगर क्लोज करवाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम सर। ये फाइल आप मुझे दे दीजिएगा, मैं रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम आसिफ हाशमी है और मेरा नंबर 35 लाख का विनर बना है। केबीसी की टीम को, अमिताभ बच्चन को मेरा दिल से शुक्रिया और नमस्कार। मेरे पास सर 12,100 मैंने भरने के बाद मेरे पास सर कुछ पैसा नहीं था, मैं गरीब आदमी हूँ। राणा प्रताप भाई का दिल से शुक्रिया, उनको भी नमस्कार कि उन्होंने मुझे इतना हिम्मत और हौसला दिया। मैंने आगे अपना टैक्स भर के अपनी लॉटरी को विनर बनाया। नमस्ते भाई राणा प्रताप भाई और उनके सारे टीम को मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी, और मुझे मेरे भाई को हौसला दिलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी सारी टीम को शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू भाई, नमस्ते भाई। फिजा खान शिवपुरी वो ठकट हाउस के पीछे खोले पे वो हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, पैसे ले गए हैं। उसके बारे में वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे ना, वो भी दे रहा है, उससे पहले जो लिए थे वो भी नहीं दिए। ये बोल रहे थे कि लॉटरी लगी है तुम्हारी 25 लाख रुपए की और वो भी नहीं दिए उसने। उसके बाद 21,000 रुपये हमसे भरवा लिए, पहले 12 भरवाए उसके बाद 21 भरवाए, उसके बाद बोला कि मैं वापस कर दूंगा। उसके बाद तुम है ना कि अपने है ना 2,000 रुपये और भर दो। तो हमने बोला हमारे पास तो है नहीं, हमने तो दूसरे से उधार लिए हैं। तो भैया तुम अभी उधार ले लो, उसके बाद हम जैसे अभी होगा ना तो जल्दी की जल्दी पेमेंट कर देना तुम उन लोगों के। मैंने बोला एक हम तो अब है नहीं, हमने तो दूसरे से लिए थे, उसके भी कैसे दिए, हम तो घर से भी नहीं निकल सकते बाहर। अब लॉटरी कितने की थी आप? 25 लाख की। 25 लाख के लालच में 49,000 गए? हाँ। कैसी माने आप इतने बड़े लालच में कैसे आ गए? आए नहीं भैया ऐसे अच्छे से बात कर रहे थे, हमें तो पता नहीं था कैसे कर रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे। कुछ पता है आपको? क्या पता, उस पे तो लिखा आ रहा था, उनने तो सादा कॉल की थी बस, एक बार ज़्यादा तो नहीं आ रहा था, पंजाब के ही लग रहे थे, पंजाब से बोल रहे हूँ। इसकी शिकायत आर में साइबर सेल वगैरह में की? नहीं। थाने में की? थाने में नहीं की। पहली बार यहीं आए बस। क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से? वो बोल रहे हैं कि कलेक्टर के पास जाओ पीछे। कब का मामला है? हो गए 10-15 दिन।